नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल दीर्घ स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे मल्टीवैगर आईटी शेयर के बारे में जो अपने हाई से अभी 40% टूट चुका है और आप लोग खुद देख सकते हो एक साल में स्टॉक के 40% गिरावट टच हमें देखने को मिलती है। एंड ये स्टॉक जो है आपका, बिलीव मी, काफ़ी तगड़ा वाला, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा वाला, ये बहुत बार बोनस दे चुका है, कई बार बोनस दे चुका है और ये इंडिया में बोनस देने में ही जाना जाता है, मतलब निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है ना, सबका बाप है बोनस देने में ये शेयर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नाम कैश नहीं किया, मैं आपको रूबरू करा देता हूँ स्टॉक के नाम से। तो आप लोग देख सकते हो ये कंपनी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टाइम्स आपको बोनस दे चुकी है। तो मैंने बोला ना, ये कंपनी बोनस देने में सभी कंपनीज की, स्टॉक मार्केट इंडिया में सबकी भाप है, ठीक है। तो नजरों में रखो, ये जो स्टॉक का प्राइस 400 आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा प्राइस है, ठीक है। अगर आप इस बोनस को, आपको पता है कि प्राइस भी उसका उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइस अभी आपका बहुत बड़ा प्राइस है, आपको दिख रहा है 400, लेकिन 400 नहीं है, बहुत बड़ा प्राइस है। और ये, एंड दोस्तों आप देख सकते हो जो स्टॉक का प्राइस पैटर्न है, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। 2000 के आसपास देखो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर एक हमें गिरावट देखने को मिली थी और वही गिरावट बिल्कुल देखो यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। अब हो सकता है कि अगले कुछ सालों तक, जैसे यहाँ पर देखो ये स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया था, तो ये स्टॉक भी अब यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है और होने के बाद ये स्टॉक यहाँ से एक नए हाइज की तरफ चढ़ते हुए आपको दिखेगा, जो ये स्टॉक आपको आराम से 1000 और 2000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो नजरों में रखिए, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, सिमिलर पैटर्न बन रहा है जो 2000 के आसपास बना था, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक बना था। अब आप लोग सोचोगे स्टॉक का नाम क्या है, तो देख लो स्टॉक का नाम है विप्रो। मैं बात कर रहा हूँ इसी कंपनी की, इसका नाम है विप्रो, ठीक है भाई। अब बोलोगे सर क्यों रखना है ऑब्जर्वेशन में, तो देखो 2-3 दिन आप सभी को पता है बोनस, साथ में इसके प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अगर अच्छे नहीं होते तो मैं बोलता नहीं, मत देखो प्रॉफिट अच्छे, आरओसी देखो 21% है, कंपनी आपको मोर देन 2% का डिविडेंड दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, 73 प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, पब्लिक का बहुत कम पैसा स्टॉक में लगा, LIC का भी बहुत अच्छा पैसा स्टॉक में लगा है, ठीक है भाई। तो मैं यही बोलूंगा, नजरों में रखिए, बाय करिए विप्रो को जितना आप कर सकते हो, ये स्टॉक डेफिनेटली फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, क्योंकि इस पर पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं आपको कह रहा हूँ ये स्टॉक पर पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। NSE BSE में आप देख सकते हो 58 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 58% डेली स्टॉक बढ़ाई गई है, ठीक है भाई। तो ये है अपना वैल्यूबल स्टॉक फॉर द 2023, ठीक है। अभी डरो मत, स्टॉक को एक्युमुलेट करो, राइट। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।